गॉड या फिर जो एनर्जी है आप जिस पे भी बिलीव करते हो वो नहीं चाहते कि आप सफ़र करो, बट अगर आपको ग्रो करना है देन यू हैव टू गो थ्रू सम फेजेस, राइट? आपको कुछ फेज आते हैं लाइफ से, आप जब उससे ग्रो होते हो देन आपका एलिवेशन होता है, आप कुछ सीख पाते हो, कुछ समझ पाते हो. सो जस्ट डोंट सी ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेकल्स, दे आर द लाइक स्टेपिंग स्टोन्स. आपके कुछ अच्छे के लिए होता है, आपके कुछ बेनिफिट के लिए होता है. आप जस्ट एक नज़रिया बदलो कि वो आपके साथ क्यों हो रहा है. अगर आपने वो जो स्पेक्स है वो सफरिंग के जगह पे आपने लर्निंग का जो पहन लिया ना, देन आप जो भी आपके सामने आएगा आप बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे और सीख पाओगे उसमें से कुछ. और व्हेन आपका वो जो स्टेज हो जाता है कंप्लीट, देन जस्ट बी ग्रेटफुल इनफ कि आपने वो सीखा. बिकॉज ये आप पर्सपेक्टिव लगाना लाइफ को बहुत इम्पॉर्टेंट है टू सूदन योर जर्नी, आपका लाइफ जो है अनफोल्ड करने में. बिकॉज अगर कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाती, इजीली मिल जाती, देन आपको जो अच्छा चीज़ है वो आपको पता ही नहीं चलता, कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको पता ही नहीं चलती कि कहाँ से आ रही है या फिर क्या होनी चाहिए. सो अगर आपको कुछ ऐसे आप फेस से गुजरते हो, देन जस्ट बी स्ट्रांग इनफ, एक्सेप्टेंस में आओ कि येस दिस इज़ हैपनिंग और कुछ वजह से हो रहा है. अगर आपने ये दोनों चीज़ का बैलेंस रख लिया, देन आपको वो फेस से जाने को बहुत ईजीली हो सकता है, एंड इट बिकम्स ईजी. आप लाइफ को एक डेपनेस के साथ देखने का नज़रिया देखते हो, वो मैटर करता है. सो जो होता है अच्छे के लिए क्यों होता है, वो ये पर्टिकुलर सेंटेंस इसके लिए कहा जाता है बिकॉज आपको कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है. तो आपका माइंडसेट यहाँ पे कौन से ट्रैक पे है, कौन से लाइन पे है, आप किस वे से थिंक कर रहे हो, ये आपके आगे के लाइफ को जो है ना अनफोल्ड करने में सपोर्ट करता है. तो जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ अच्छा ले रहे हो, कुछ अच्छा समझ रहे हो. बिकॉज जब तक आप बुरे फीलिंग में रहोगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी, दिस इज़ नॉट वाई यू, ये आप को चुना गया है. यू आर जस्ट चूजन कि आप स्टडी करो ना. एवरी वन वॉन्ट्स दैट चाइल्ड शुड ग्रो लाइक. तो आपके जो परमात्मा रहते हैं, एनर्जी रहते हैं जिस पे भी आप बिलीव करते हो, दे टू लव कि आपको यहाँ पे क्यों भेजा गया है समथिंग, ताकि आप कुछ लर्न कर सको, ग्रो कर सको, राइट? तो अगर हैप्पीनेस है देन सोरो भी आता है, राइट? ताकि आपको हैप्पीनेस का इम्पोर्टेंस पता चले. सो एवरीथिंग हैपन्स इन बैलेंस. लाइफ एंड डेथ एक ही मोमेंट में है, बिकॉज आप इनहेल करते हो और एक्सहेल भी आपका नेक्स्ट सेकेंड में ही होता है, राइट? सो इट इज़ नॉट अबाउट द लास्ट कि आप हो जाएगा वो कभी, तो नहीं. आप वो हर टाइम आपके साथ है, वो आप वो रोल एक प्ले कर रहे हो. जस्ट एक अवेयरनेस में आओ कि इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. और अब जब ये राइट नाउ में आ जाओगे ना, देन आपका नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा. आप जिस चीज़ को देख रहे हो उस वो चीज़ क्या है एक्चुअली, आपको वो समझ आएगी. सो जस्ट इट इज़ द ब्यूटिफुल जर्नी. आप लर्न करो, अच्छे से सीखो, इन्जॉय करो साथ ही साथ. नॉट आई एम टॉकिंग ऑलवेज अबाउट लर्निंग, बट येस, लर्निंग का आपको माइंड में रखना है और ब्यूटीफुली अनफोल्ड करना, ये भी आपको माइंड में रखना है. सो जस्ट एंजॉय द जर्नी. दैट इज़ ऑल व्हाट द पॉइंट हियर. थैंक यू एंड प्रणाम.